मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शनिवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन को भी इस दौरान सुना गया। कार्यक्रम स्थल पर एक मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न योजनाओं के स्टॉल लगाए गए, जिसमें हितग्राहियों को योजना से संबंधित जानकारी दी गई। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री देश की गरीबी दूर कर रहे हैं। आजादी के बाद गरीबों की संख्या बढ़ी है, लेकिन 2014 के बाद गरीबी घट रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा गरीबी हटाने की यात्रा है। कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ मौजूद है। विकसित भारत यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कैलाश जी, बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है, देखा जाए तो पूरी यात्रा है गरीबी दूर करने को लेकर प्रधानमंत्री की, कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी ये मध्य प्रदेश? देखिए, ये वे लोग जो अशिक्षित हैं, जो योजनाओं के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। मोदी जी ने इस यात्रा के माध्यम से उन सब समझदार लोगों के लिए आहुति देने का एक आह्वान किया है कि राजनीतिक कार्यकर्ता तो जाएंगे ही, पर सामाजिक कार्यकर्ता जो वास्तव में जानते हैं कि सरकार की ये योजना है और ये व्यक्ति हकदार है, हमारे यहाँ ड्राइवर है, हमारे यहाँ काम करने वाला है, वो यदि उसको योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला, उसको दिलाना चाहिए। ये कुल मिलाकर गरीब की गरीबी दूर करने का एक बहुत बड़ा आंदोलन है और मैं विकसित भारत हमारा संकल्प ये जो प्रधानमंत्री जी का, इसका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा का लाभ हितकारी को दिलवाएं। आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली सर, आपने कहा आज़ादी के बाद से गरीबी लगातार बढ़ रही थी लेकिन 2014 के बाद से घटना चालू हुई है। निश्चित रूप से 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पर आज़ादी के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों की गरीबी दूर हुई है, इसमें मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजना है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका। जिस प्रकार का उत्साह माननीय प्रधानमंत्री जी उद्बोधन के बाद हमने देखने को मिला आम जन में, वास्तव में ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी का रथ है जो कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक, जिनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला उनको लाभ मिलेगा और जिनको इस योजना का लाभ मिला उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, ये हमें कहानी सुनने को मिलेगी। इंदौर में लाखों लोग हितग्राही हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है, उन्होंने अपनी जुबान से यहाँ पर भी अपनी बात कही है और देश भर में इस प्रकार का रथ पूरे देश में गारंटी का मोदी चल रहा है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कल से ये प्रारंभ होगा और इंदौर के हर वार्ड में, ग्रामीण में, हर पंचायत में 25 जनवरी तक ये चलेगा और जिस प्रकार का मैं उत्साह देख रहा हूँ लोगों में, वास्तव में मोदी जी की गारंटी का यह रथ मोदी जी को आने वाले समय में जो स्वर्णिम भारत बनाने की कल्पना है वो पूरा।